तिम्नासा को अपने घर पे एक कुक की जरूरत रहती है, तो वह बालवीर को अपने घर पे एज अ कुक हायर कर लेती है। तिम्नासा को बालवीर की कुकिंग बहुत पसंद आती है। वह ऑल टाइम बालवीर की तारीफ करती रहती है, जिसे देख के घर के बाकी नौकर जलते हैं। अगले ही दिन बालवीर का तिम्नासा के घर पे खून हो जाता है। CID केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वह पहुंच जाती है, तो उन्हें घर के 3 लोगों पे शक जाता है, तिम्नासा पे, घर की मेड पे और घर के गार्डनर पे। CID सभी को ध्यान से देखती है और तुरंत समझ जाती है कि बालवीर का खून किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप सच के बता सकते हो कि बालवीर का खून किसने किया है? तो दोस्तों, सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ध्यान से देखोगे तो बालवीर के बॉडी पे वेपन से वार किया गया है, जिसके मार्क बालवीर के बॉडी पे है। और आप विवान गार्डनर को देखोगे तो उसके हाथ में गार्डनिंग का एक वेपन है, जिस पे खून लगा हुआ है, और बालवीर के बॉडी पे लगे हुए मार्क उससे मैच हो रहे हैं। मतलब विवान ने ही उस वेपन से बालवीर पे वार किया और बालवीर को मार दिया। तो दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।